आगामी काळात सुरू होणाऱ्या रमजान महिन्यामध्ये मुस्लिम बांधवांनी मशीद किंवा इतर सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र न येता घरातच नियमित नमाज तरावीह पठण व इफ्तार इत्यादी धार्मिक कार्यक्रम करावेत असे आवाहन मंगरुळपीर जामा मस्जिदचे अध्यक्ष अल्हाज अन्सार अहमद खान मार्फत करण्यात आले आहे. यावेळी मंगरुळपीरचे उपविभागीय अधिकारी जयंत देशपांडे आणि यशवंत केडगे उपविभागीय पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. चौकों और घरों के सामने भीड़ न लगाएं. मोहतरम हजरात, ये आपको करना है देश के हित में, देश की जनता के हित में, अपने परिवार के हित में और अपनी जात के हित में. ये सब हमारे अपने फायदे के लिए है. हम उसको इस तरह सोचे कि हमको मस्जिद रोका नहीं जा रहा है, बल्कि घर घर को मस्जिद बनाया जा रहा है. अब नमाजें घरों पे होंगी, तरावी घरों पे होंगी, कुरान घरों पे पढ़े जाएंगे. वो सारे अमाल जो पहले मस्जिद में होते थे अब घरों में होंगे, तो घर का माहौल भी बेहतर बनेगा और घर के बच्चों पर भी इसके अच्छे असरात पड़ेंगे. लिहाजा खरीद लें. सहूलत के लिए इफ्तारी और सहरी के सामान के लिए, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसके लिए जगहों का इंतखाब किया गया है. हम उन्हीं जगहों से जाके ये सामान खरीदें. इसी तरह नमाजों के अवकात मालूम करने के लिए, सहर का ख़त्म वक्त मालूम करने के लिए, इफ्तार का वक्त ख़त्म हो गया, इफ्तार का वक्त हो गया ये मालूम करने के लिए अपने अपने मोबाइल को सेट कर लें. घरों के अंदर घड़ियों को सही रखें, अलार्म लगा लें और हम इसी पर अमल करते हुए सहर और इफ्तार का और नमाजों का अहतमाम करें. फल खरीदने में सोशल डिस्टेंस, घरों पे नमाज पढ़ रहे हो, बाहर से किसी को अपने घर में ना बुलाएं. घर के अंदर घर के ही लोग नमाज पढ़ें. इफ्तार पार्टियों का अहतमाम ना करें. इफ्तार पार्टियों पर जो हमारा खर्च हो रहा है वो खर्च हम गरीबों पर करें, ताकि रमजान उनके भी खैर वाफियत से गुजर जाए. इफ्तारी का सामान सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खरीद लें. इफ्तारी और सहरी का सामान और दिगर तमाम पाबंदियों का ख्याल रखें. अगर बीच में किसी वक्त लॉकडाउन खुल भी गया तो पाबंदियां खत्म नहीं होगी. ये पाबंदियां अगले ऐलान तक, अगले तिब्बी माहिरीन का ऐलान आएगा, शासन प्रशासन का ऐलान आएगा, उस ऐलान के आने तक ये पाबंदियां हम पर आयद रहेगी. सारे के सारे हजरात इसको खास तौर से ध्यान में रखें. अल्लाह ताला हमको इन तमाम बातों पर अमल करना आसान फरमाए. लॉकडाउन की पाबंदियां करते थे, रमजान में भी हमको इन बातों पर पाबंदी करना है. पाबंदी क्या है? मस्जिद में सिर्फ 4 ही लोग नमाज पढ़ेंगे, बाकी सब अपने अपने घरों पे नमाजें अदा करें. मस्जिद में सिर्फ 4 ही लोग नमाज पढ़ेंगे, बाकी सब अपने अपने घरों में नमाजें अदा करें. इसी तरह तरावी की नमाज का अहतमाम भी अपने अपने घरों पे करें. मोहतरम हजरात.